हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स एक्सरसाइज 4.4। एक्सरसाइज 4.4 में ओनली दो क्वेश्चंस हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ड्रॉ ए रफ स्केच। एक रफ स्केच ड्रॉ करेंगे ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ए बी सी का। एक ट्रायंगल ए बी सी को हम रफली ड्रॉ करेंगे, मेक ए पॉइंट पी, जिसके अंदर एक पॉइंट पी है इन इट्स इंटीरियर, इसके अंदर, एंड ए पॉइंट क्यू, और एक पॉइंट क्यू है इन इट्स एक्सटीरियर, इससे बाहर। इज द पॉइंट ए इन इट्स एक्सटीरियर और इन इट्स इंटीरियर। तो आपके पास जो पॉइंट ए है, क्या वो इसके एक्सटीरियर में होगा या इंटीरियर में? हमने पहले क्या की, एक ट्रायंगल ड्रॉ किया ए बी सी, ए बी सी एक ट्रायंगल ड्रॉ किया। उसके बाद हमारे पास गिवन क्या है, उसके बाद हमें दे रखा है कि एक पॉइंट पी है इन इंटीरियर। इंटीरियर क्या होता है आपके पास, अंदर। इंटीरियर का मीनिंग क्या होता है, अंदर, और एक्सटीरियर हमारे पास क्या होता है, बाहर। एक्सटीरियर बोल देंगे हम बाहर, और इंटीरियर अंदर। तो हमारे पास क्या दे रखा है कि एक पॉइंट पी दे रखा है जो ट्रायंगल एबीसी के इंटीरियर में है, एंड एक पॉइंट एक्सटीरियर दे रखा है, इट मीन्स जो ट्रायंगल एबीसी से बाहर है। हमारे पास इसके अंदर क्या दे रखा है, पी पॉइंट, जो हमारे पास ए बी सी ट्रायंगल है उसमें हम कहीं भी लेंगे पी पॉइंट। ये ज़रूरी नहीं है मिड में ही लेना है, हम इस पॉइंट को कहीं भी ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो, पी पॉइंट हमारा इंटीरियर में है और क्या वो पॉइंट हमारा एक्सटीरियर है, तो क्या वो हमने इससे बाहर ले लिया। बाहर हम कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ यहाँ कहीं भी लिख सकते हैं इस पॉइंट को, ठीक है। उसके बाद क्या पूछ रखा है कि जो ए पॉइंट है वो ट्रायंगल के एक्सटीरियर में है या इंटीरियर में। ए इज, ए पॉइंट हमारा कहाँ है, ये पॉइंट ए है ना, तो ये इसके अंदर और ना ये इससे बाहर। तो ए इज नाइदर इंटीरियर ऑफ द फिगर नोर एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, इट इज ए वर्टेक्स। ए हमारे पास क्या है, एक वर्टेक्स, एक पॉइंट, और जब पॉइंट्स को हम एजेस से मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, वो एक वर्टेक्स। तो हम क्या बोल देंगे, ए हमारे पास क्या है, एक वर्टेक्स है जो ना इस फिगर के अंदर है, जो ना ट्रायंगल के अंदर है और ना ट्रायंगल से बाहर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू, आइडेंटिफाई दिस ट्रायंगल्स इन द फिगर। इस फिगर में से आपको आइडेंटिफाई करना है। देखो, थ्री ट्रायंगल्स, इसमें से थ्री ट्रायंगल्स बनानी है हमें। कैसे बनाएंगे थ्री ट्रायंगल्स, आपको दिखाई दे रही है सारी ए बी डी। हमारे पास एक ट्रायंगल क्या बनेगी, ए बी डी, दूसरी ट्रायंगल क्या बनेगी, ए सी डी, दो ट्रायंगल हो गई। तीसरी ट्रायंगल क्या बनेगी, पूरे से बन गई एक ट्रायंगल, ए बी सी। तो इस तरह हम तीन ट्रायंगल बना सकते हैं, क्या क्या, ए बी सी ट्रायंगल, और ये हमारे पास सिंबल होता है बेटे ट्रायंगल का, ट्रायंगल ए बी डी। ये हमारे पास पूरी की पूरी तो वन एक हो गई, ये हमारे पास सेकंड हो गई, और ए डी सी ये हमारे पास थर्ड हो गई। तो इसी तरह हमें कितने ट्रायंगल्स ड्रॉ करके बतानी थी, आइडेंटिफाई करनी थी, थ्री ट्रायंगल्स। नेक्स्ट है हमारे पास, राइट द नेम्स ऑफ सेवन एंगल्स। इसके अंदर हमें सेवन एंगल्स का नाम नोट करना है, कैसे। देखो, सबसे पहले हमारे पास तीन ट्रायंगल है, तीनों ट्रायंगल्स के अलग अलग लेके चलेंगे हम। हमारे पास फर्स्ट क्या है, ए बी डी फर्स्ट हो जाएगा, फिर ए डी बी सेकंड हो जाएगा, और बी ए डी थर्ड हो जाएगा। इसी तरह से ए डी सी, ए सी डी, और डी सी ए। हमारे पास थ्री इसमें से हो गए, थ्री इसमें से हो गए, सिक्स हो गए टोटल। और सेवन्थ हमारे पास कहाँ से आ जाएगा, बी ए सी, कि जो ए के ऊपर एंगल बनता है बी ए सी, वो भी तो हमारे पास एक एंगल है, ठीक है। अब नाम नोट करेंगे हम कैसे, एंगल्स आर ए डी बी, ये हमारे पास यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्या हो गया, फर्स्ट। सेकंड है ए डी सी, ए डी सी, अब भी हमारे पास यहाँ पे जो एंगल बना वो क्या हो गया, सेकंड। थर्ड है हमारे पास ए बी डी, ए बी डी, ये हमारे पास क्या हो गया, थर्ड हो जाएगा। और फोर्थ है हमारे पास ए सी डी, ए सी डी, ये हमारे पास क्या हो गया, फोर्थ। नेक्स्ट है हमारे पास बी ए डी, ये हमारे पास फिफ्थ आ जाएगा। और सिक्स्थ हमारे पास क्या आ जाएगा, सी ए डी, ये हमारे पास सिक्स्थ आ गया। अब सेवन्थ हम कहाँ से बनाएंगे, इस पूरे को जब हम करेंगे, जब ए बी ए सी, तो हमारे पास ये पूरा का पूरा भी क्या हो जाएगा, सेवन। तो बी ए सी, ये हमारे पास सेवन एंगल्स आ जाएंगे, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारे पास राइट द नेम ऑफ लाइन सेगमेंट्स। इसके अंदर जो भी लाइन सेगमेंट्स हैं उनके हम नाम नोट करेंगे। कैसे? देखो लाइन सेगमेंट हमारे पास क्या है, जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दे रखा है वो हम क्या बोलते हैं उसको, लाइन सेगमेंट। ये आपको एक लाइन सेगमेंट से ड्रॉ करके हमने क्या बना रखी है, एक ट्रायंगल। देखो ए बी लाइन सेगमेंट कौन कौन है, ए बी लाइन सेगमेंट है, ए डी लाइन सेगमेंट है, ए सी लाइन सेगमेंट है, और बी डी बी लाइन सेगमेंट है, डी सी बी लाइन सेगमेंट है, एंड बी सी, ये सब भी हमारे पास क्या है, लाइन सेगमेंट है। देखो कैसे नोट करेंगे, लाइन सेगमेंट्स आर ए बी, ए बी लाइन सेगमेंट है, ऊपर हमारे पास जो सिंबल है वो किसका है, लाइन सेगमेंट का। नेक्स्ट है हमारे पास ए सी, उसके बाद हमारे पास ए डी, पहले हमने ए से निकाल लिए तीनों, फिर हम बी से निकाल रहे हैं, बी डी आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, और बी सी आ जाएगा और डी सी, ये हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे, 6 लाइन सेगमेंट्स। नेक्स्ट है ट्रायंगल्स हैव एंगल बी एज कॉमन, क्या दोनों ट्रायंगल्स के अंदर एंगल बी है वो कॉमन है। कॉमन क्या होता है, एक ऐसा एंगल जो दोनों ट्रायंगल्स में आया है, ठीक है, ऐसा एंगल जो दोनों ट्रायंगल्स में आया है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन एंगल। तो अब कॉमन एंगल क्या है, क्या बी आपके पास दोनों ट्रायंगल्स में आया है कॉमन, बिल्कुल। ट्रायंगल्स हैविंग कॉमन एंगल बी, किस किस के अंदर से कॉमन आया है एंगल बी, एंगल बी के लिए हमने क्या क्या किया, जब हमने एक ट्रायंगल ली ए बी डी तब हमने बी का यूज़ किया, दूसरा हमने क्या किया ए बी सी, उसके अंदर भी हमारे पास बी आया है तो हम क्या बोल देंगे, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल्स हैविंग कॉमन एंगल बी, ट्रायंगल्स में एंगल बी कॉमन है, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी के अंदर, ठीक है। अगर इसी तरह आपके पास पूछ लेता कि एंगल सी इज कॉमन, एंगल सी हमारे पास किस किस के अंदर कॉमन है, कैसे बताएंगे हम एंगल सी कहाँ कहाँ कॉमन है, ए सी डी, कैसे बोल देंगे, ट्रायंगल ए सी डी, एंड दूसरा हमारे पास कहाँ से कॉमन आ रहा है, ए सी बी, दूसरी ट्रायंगल क्या है, ए सी बी, और थर्ड हमारे पास क्या है, एंगल ए। एंगल ए हमारे पास कितने ट्रायंगल्स में कॉमन है, 3 ट्रायंगल्स में, ठीक है, एक तो बी ए डी, एक डी ए सी और एक बी ए सी, तीनों में हमारे पास एंगल ए क्या हो जाएगा, कॉमन, ठीक है। ये थी हमारी एक्सरसाइज 4.4। थैंक यू।